हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको कैंची की धार तेज करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी और बहुत ही सस्ता तरीका। और यकीन मानिए, ये तरीका 100% वर्क करेगा। तो चलिए ये तरीका जान लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमें सिल्वर फॉइल की जरूरत पड़ेगी, जो कि सभी के घर में होती है। अक्सर इसे हम खाना पैक वगैरह करने के लिए यूज में लाते हैं। और अब इसे कैंची की धार तीखी करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे आराम से इस तरीके से खोल लीजिए और एक इसका टुकड़ा कट कर लीजिए। इस तरीके से देखिए, अब ये सिंगल है। अब हमने क्या करना है, इसको डबल करना है इस तरीके से। ध्यान रहे कि ये मुड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी कैंची की धार जो है सीधी नहीं जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, इसको हमेशा इस तरीके से ही फोल्ड करना है आपने, बिल्कुल सीधा। अब हमने एक बार इसे और फोल्ड कर लिया, अभी कितना हो गया, 4 लेयर, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें कैंची ले लेनी है, जिसे हमने तीखा करना है। तो कैंची को ले लेते हैं। और देखिए, कैंची की धार ये होती है, देखिए इधर से, और आप इधर से देख सकते हैं। तो बस अभी इसमें हम हल्की सी धार देंगे। तो अब हम इस तरीके से छोटे छोटे लेयर लेते जाएंगे और इस तरीके से कट करते जाएंगे, बिल्कुल सीधा इस तरीके से। देखिए, ऐसा हमने ये पेपर पूरा कट करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं कैंची की नोक को देखा करूंगी। देखिए इस तरीके से, कैंची की नोक पर ही मैं चला रही हूँ उसको। तो अगर हमारी कैंची की नोक ही काम नहीं करती है तो कटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। और कई जगहों पर सिर्फ हम नोकी का इस्तेमाल करते हैं, जो कैंची की नोक है, इस तरीके से। देखिए, तो ऐसे में जरूरी है कि आपकी कैंची की जो नोक है वो शार्प रहे। कभी कभी कैंची तो वर्क करती है लेकिन उसकी नोक जो है ना बिल्कुल वर्क नहीं करती, तो आप उस टाइम पर इस ट्रिक का यूज कर सकती हैं और बहुत ही यूजफुल है ये ट्रिक। इसके बाद आपको मैं कैंची ही नहीं बल्कि मशीन की जो सुई है ना उसे भी शार्प करना बताऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पर सेम प्रोसेस को अपनाऊंगी मैं। 4 लेयर में इसको रखूंगी सिल्वर फॉइल को, और उसके बाद इस पर मैं मशीन चलाऊंगी। ध्यान रहे, सुई पे धागा नहीं होना चाहिए, विदाउट धागे के ही हम इसे चलाएंगे, खाली मशीन इस तरीके से। कई बार हमारी सुई की धार जो तीखी नहीं रहती है, तो आप इस ट्रिक का जरूर से यूज करिएगा, सुई आपकी अच्छा वर्क करने लगेगी। तो उस तरीके से हमने इसको 20 से 15 बार चलाना है। आप इस तरीके से हाथ लगाकर भी चेक कर सकते हैं कि ये तीखी हुई है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले हमारी कैंची की धार कैसी थी और अब कैसी हो चुकी है। देखिए शाइनिंग, देखिए आप इसकी, तो इसका मतलब है कि ये शार्प हुई है। आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। तो इस ट्रिक का यूज तो मैं बहुत बार करती हूँ और आपसे भी रेकमेंड करूंगी कि आप इसका यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं चेक करके भी दिखा देती हूँ कि हमारी कैंची की धार खराब नहीं हुई है। देखिए, आपको ऐसा न लगे कि ऐसा करके कैंची की धार खराब हो सकती है। देखिए, इक्वल कपड़ा काटती है ये, देखिए इस तरीके से, और काफी शार्प भी हो जाती है। और आप मैं इसको डबल करके दिखा दे रही हूँ इस तरीके से। कई बार हमें मोटा कपड़ा काटना होता तो तब भी हमारी कैंची की धार इक्वल चलती है इस तरीके से, देखिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।